मनोज कुमार ने लिखा है, प्रणाम गुरुजी, पिछली बार आपने संतों के राज यानी संतों का शासन इसके बारे में बताया था, उसके बारे में और विस्तार से बताने की कृपा करें कि संतों का शासन संतों के राज में क्या होता है। संतों का शासन अर्थात उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो, इसीलिए हमने उनको कहा शास्ता। शास्ता जो शासन देते हैं यानी कि एक व्यवस्था देते हैं। अगर तुम बात समझते हो, तुम्हारे जीवन में एक व्यवस्था आ जाती है, एक अलाइनमेंट आ जाता है, वही है शासन। शासन के लिए देखिए हम दो शब्द उपयोग और करते हैं, सुशासन और कुशासन। कुशासन क्या है कि जब सब कुछ तितर बितर हो जाए, संघर्ष में पड़ जाए। सुशासन क्या है, जब सब व्यवस्थित हो, लय में हो, शांति को बढ़ाने वाला हो, वो सुशासन। संतों का शासन जिसको हम कहते हैं वो वही है जिसमें लयबद्धता जीवन में आती है, शांति आती है। शासन ये सत्ता वाला शासन नहीं है, ये शासन, इसीलिए शासन के साथ देखिए हमने एक शब्द और हिंदी में पैदा किया, अनुशासन। अनुशासन को आप ट्रांसलेट करते हैं डिसिप्लिन। तो शासन शब्द के बहुत सारे आयाम हैं, आप उसको संस्कृत और हिंदी में ढूंढते जाएंगे तो आपको उसके कई वेरिएशन मिलेंगे। तो ये जो अनुशासन आया यानी कि जो अनुसरण करता हुआ एक शासन आया वो अनुशासन बना। संतों के जीवन में इसीलिए अनुशासन मिलेगा। उनके भीतर जो स्पष्टता घटी है वो एक नैसर्गिक संतुलन को पैदा करने वाली है, वो लाएगी। मुख्य चीज है समझ को विकसित करना। जब तुम संतों के सानिध्य में होगे तुम्हारे भीतर समझ विकसित होगी। छोटा सा अंतर है, समाज भय पर खड़ा हो सकता है, प्रेम पर खड़ा हो सकता है। समाज शोषण पर खड़ा हो सकता है, समाज करुणा पर खड़ा हो सकता है। समझ नहीं होगी तो शोषण और भय आगे जाएंगे, और समझ विकसित होगी तो प्रेम और करुणा आगे जाएगी। तो संतों के साथ प्रेम और करुणा का विकास होता है, और उनकी जो देशनाएं हैं वो हमारे जीवन में इनको विकसित करती हैं। फिर हमारे माध्यम से जो भी जीवन निकलेगा, चाहे वो विज्ञान में निकले, कला में निकले, राजनीति में निकले, कहीं भी निकले, वो एक अनुशासन लाएगा, और उस अनुशासन से जीवन में और सौंदर्य आएगा। यही बहुत ही प्रैक्टिकल संदर्भों में लाओ त्से कह रहे हैं। Thank you.